महेंद्रगढ़ के कनीना में खेती के अयोग्य जमीन को कृषि योग्य बताकर रिपोर्ट बनाने और गलत बंटवारा करने की शिकायत पर पुलिस ने कनीना के तत्कालीन तहसीलदार कानूनगो समेत 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। बता दें कि शिकायतकर्ता आशुतोष और उसके परिवार के सदस्यों ने हरियाणा के DGP को शिकायत भेजकर कनीना के तहसीलदार कानूनगो सहित कई लोगों पर अपनी जमीन की गैर मुमकिन प्रकृति को छिपाकर कृषि भूमि दिखाते हुए गलत रिपोर्ट बनाने का आरोप लगाया था। पीड़ित ने शिकायत में क्या कुछ बताया था, सुनिए। ऐसे है जी कि ये हमारी 1987 में हमने खरीदी थी और अब हम तीनों भाइयों की प्रॉपर्टी है। मेरे बड़े भाई सुधीर कांत है जिसका ये भगत सिंह है ना यादव, इसने और उसके छोटे भाई कर्ण सिंह ने उनका हिस्सा ले लिया और इन्होंने 2000 में लेके और उसके बाकी बची हुई उन्होंने 2010-11 में ली थी और अपनी दुकानें बना के वहाँ भी जाए। उसके बाद इन्होंने ये तहसीलदार आया है कमल सिंह यादव, उससे ये साजबाज हो के इन्होंने उसका गलत, जबकि अपना तो ये है गैरमुमकिन है, पटवारी ने उसके जमाबंदी में दर्शाया हुआ है कि गैरमुमकिन प्रॉपर्टी है, उसके बावजूद भी उसने उसका गलत तरह से ना तो हमें कोई वो दिया गया सम्मान और यहीं का दिखा का सारा साजबाज होके 15 दिन के अंदर ही सारा कार्य कर दिया, जो कि सब पेपर रिकॉर्ड पे है। उसी के तहत तो हमने पुलिस में दी थी और 15 दिन के अंदर उन्होंने सारी कार्रवाई कर दी, कब्जा भी दे दिया, इंतकाल भी चढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया। वहीं कनीना के थाना प्रबंधक विनय कुमार ने बताया कि महेंद्रगढ़ निवासी आशुतोष शर्मा ने एक शिकायत दी थी जिसकी जांच DSP कनीना ने की है और जांच में जो सबूत पाए गए हैं उस आधार पर पुलिस द्वारा FIR दर्ज की गई है, जिसके आधार पर पुलिस गहनता से जांच करके जो कार्रवाई बनेगी वो अमल में लाई जाएगी। आशुतोष शर्मा महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने एक कंप्लेंट दी है जिसकी इंक्वायरी DSP कनीना साहब ने की है और इंक्वायरी पे जो फैक्ट्स पाए गए हैं उस पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा भाई एक ज़मीन थी जो उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी थी भाइयों की, एक भाई ने जैसे बेच दिया था तो उसमें वो भगत सिंह वगैरह कर्ण सिंह ने लिए थे तो उसका जो तकसीम जो कराई थी तो वो तहसीलदार ने और गिरदार वगैरह ने उनसे साजबाज होकर और गलत तरीके से वो कर दी, जबकि उनका राइट्स नहीं था, वो गैर मुमकिन जगह थी, उनका राइट्स नहीं बनता था तकसीम करने का, वो सिविल कोर्ट का बनता था। ये एलिगेशन लगाई, आएगी कार्रवाई होगी, इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब तक जो धारा लगी गई है सर 420 क्या है इनके लिए? भाई ये तो ये धोखाधड़ी का मैटर। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में देखना ये होगा कि धोखाधड़ी करने वाले इन लोगों को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। कनीना से उमा दत्त शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।